सो लास्ट नाइट आई केम क्वाइट लेट, तो मैं यहाँ डेचलिंग है अकोमोडेशन का नाम, सो मैं डेचलिंग में रुक गया था। ये जब आप ताबो में एंट्री करते हैं तो स्टार्टिंग में इनका अकोमोडेशन पड़ता है। इट्स होम स्टे ना, आज गेस्ट हाउस होम स्टे बहुत पर्पज है, विंटर में होम स्टे पर्पज चलते हैं जी। हाँ तो ताबो मॉनेस्ट्री Yes, so we have reached Tabo Monastery. कितना खूबसूरत लग रहा है नजारा, वाओ। और ये पहाड़ मतलब बिल्कुल ही जैसे रोड़ी होती है ना, ये रोड़ी है कंप्लीटली। जब रात में यहाँ पे आ रहा था तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पूरा पूरा खिसक जाएगा, बट जो इसका कलर है बहुत ऑसम है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, सामने कलर अलग है बिल्कुल। और रोड्स मैंने दिखाया था आपको दूसरे, वो ये है और सिर्फ रोड ही है और कुछ नहीं है ऊपर से नीचे तक, और चारों तरफ यही है। सामने भी यही वाले पहाड़ है, उधर तो अच्छा मिट्टी के हो गए, वहां थोड़ा सा एरिया वो है, और ये पूरा एरिया ऐसे ही बना हुआ है। तो उधर से आते वक्त ना ये बिल्कुल मुझे डेड एंड नजर आया, बिल्कुल रोड का पता ही नहीं चल रहा था रोड किधर से है। अभी देखो अभी भी पता नहीं चल रहा है सामने खाई है क्या है, मुझे किस तरफ जाना है कुछ नहीं पता चल रहा है। और सोचो ये कंडीशन हुई थी उस टाइम में जब रात थी, बिल्कुल हमारे आसपास कोई नहीं था। अब तो मुझे पता है इसलिए मैं सही रास्ता ले भी रहा हूँ, और इट्स लाइक अ रिवर, तो यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हो रहा था ये, और पीछे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे डेड एंड है। और सामने वाले पहाड़ का शेप देखो यार, ओए होए, पूरा डेजर्ट देखते जा रहे हैं और यहाँ पर सारे में हरियाली है। शिवजी का मंदिर, और ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। तो वो मम्मी देखने के लिए आप लोगों को ये ग्यू विलेज के अंदर जाना होगा, जो कि यहाँ से करीब 7 किलोमीटर है। और मुझे नजर आ रहा है कि रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, इधर से आते हैं आप नाको की तरफ से और ये रोड जा रही है ताबो की तरफ। तो हम ताबो की तरफ से आए हैं और इसमें विलेज में एंटर कर रहे हैं। सामने लिखा हुआ है वर्षा शालिका ग्यू नाला, तो इस नाले को क्रॉस करके हमें इस रोड पे जाना है। चलो चलते हैं। ये रोड बहुत खराब है, देख रहे हो काला पानी आ रहा है बिल्कुल। यहां से रास्ता बचा है अभी 3 किलोमीटर का, और काफी हाइट पे आ गए हैं। पत्थर बिल्कुल ही ब्लैक कलर के हैं, तो शायद इसी वजह से जो सामने नदी में जो पानी नजर आ रहा है वो ब्लैक कलर का है, सारे पहाड़ ब्लैक कलर के हैं। का हाथ का पड़ा है, ग्यू विलेज में एंट्री हो चुकी है, और रास्ता तो 1 इंच भी ठीक नहीं मिला, 1 इंच।
वाओ यार बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये पहाड़। Okay, so we have entered here. चलो बाइक को यहीं लगाते हैं। Amazingly beautiful views of Gyu Monastery. ये है monastery और ये देखो wow, हम उस रोड से आए हैं। Get everything. Snow capped mountains भी है यहाँ पर, brown भी है, black भी है, you have everything. And look at those clouds. Oh, beautiful. मुझे टाइम लैप्स लेना चाहिए ऊपर की तरफ। अब हम आ चुके हैं ग्यू विलेज में और यहाँ पर हैं हम ग्यू मॉनेस्ट्री में। आपको पीछे नजर भी आ रही होगी, आर्किटेक्चर इज अमेजिंगली ग्रेट, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है वो है ये, अभी आपको दिखाता हूँ। और पहले यहाँ पर कितने लोग आते थे, लेकिन अभी जब से ग्यू मम्मी के बारे में लोगों को पता चला है, दे स्टार्टेड कमिंग है। मैं भी एक्चुअली इसी वजह से आया हूँ, बिल्कुल आउटस्कर्ट है, जो मेन हाईवे है काजा वाला उससे 7 किलोमीटर्स अंदर है, और यू वॉन्ट बिलीव कि 1 इंच भी रोड ठीक नहीं है। अगर कोई भी हिमाचल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वगैरह इसको देख रहे हैं तो 7 किलोमीटर का रास्ता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ेगा और मॉनेस्ट्री भी बहुत ब्यूटीफुल है, और ये तो है यहाँ पर। सो क्या बोले आप, इट्स ब्यूटीफुल, मतलब चारों तरफ से आपने देखा, अभी चारों तरफ का व्यू ब्यूटीफुल है ना। हाथ कंट्रोल रखो ना थोड़े। ओके, चारों तरफ का व्यू ब्यूटीफुल है ना। बस मैं ही हूँ। ठीक है, तो देख रहे होंगे आपको पीछे के नजारे, क्या ही बोलूं यार इसके लिए। ऊपर देखो, इन द स्काई। चलो अब चलते हैं, अब डायरेक्ट निकलते हैं ताबो की तरफ, ताबो से अब हम जाएंगे काजा। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट गो अहेड एंड सब्सक्राइब। इसकी जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिलेगी, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये कैसे मिली थी, कब मिली थी, कितने टाइम पहले मिली थी और कितने टाइम पुरानी। वैसे 300 साल पुरानी ये मम्मी है और कहीं खुदाई में मिली थी, सो आई एम नॉट रियली श्योर राइट नाउ, सो आई एम गोना टेल यू, घर पे बैठ के आपको आराम से बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ का भी। चलो बाय बाय बाय। सामने का व्यू बहुत प्यारा है,
दूसरी चीज अभी मैंने यहाँ पर देखा डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग, और यहाँ का मेजरमेंट किया जा रहा है माइनिंग के लिए, अगर ऐसा होगा तो बहुत खराब होगा, दिस शुड नॉट हैपन। हर जगह की नेचर के साथ खेल रहे हैं।